आप देख रहे हैं HCN न्यूज। राफेल विमान सौदे में कथित गड़बड़ी के आरोपों पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करना लगातार जारी है, लेकिन राहुल गांधी द्वारा रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को लेकर दिए गए बयान पर अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग अब कांग्रेस अध्यक्ष को नोटिस भेज चुका है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री एक महिला के पीछे छिप रहे हैं, जिसके बाद पीएम मोदी, अमित शाह, कई और भी नेताओं ने उनकी आलोचना की थी। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक रैली में आरोप लगाया था कि राफेल के मुद्दे पर प्रधानमंत्री भाग रहे हैं और उनके बचाव के लिए संसद में एक महिला को आगे कर दिया गया है, जिसको लेकर महिला आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि एक महिला से कहा कि मेरी रक्षा कीजिए महिला विरोधी बयान है, क्या वो सोचते हैं कि एक महिला कमजोर है? राहुल गांधी देश के रक्षा मंत्री को ही कमजोर बता रहे हैं, जिसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से लिखा गया कि आयोग कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को इस मामले में नोटिस भेजेगा। अब इस तरह की राजनीति पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान भी आपको सुनवा देते हैं। चौकीदार चौकीदार और चौकीदार लोकसभा के अंदर एक पैर नहीं रख पाया। जनता की अदालत से 56 इंच की छाती वाला चौकीदार भाग गया और एक महिला से कहता है सीतारमन जी आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं अपनी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। और आपने देखा 2.5 घंटे महिला रक्षा नहीं कर पाई। कर्मों का हिस्सा मांग रही है तो ये चौकीदार के विरुद्ध ही साजिश रच रहे हैं। भाइयों बहनों, 2-3 दिन पहले आपने पार्लियामेंट में देखा होगा, हमें गर्व है हमारे देश की एक बेटी जो पहली बार देश की रक्षा मंत्री बनी है और पहली बार एक नारी 125 करोड़ देशवासियों की रक्षा की बागडोर संभाल रही है। सीधा सा जवाब सवाल था, मैंने एक सवाल पूछा और मैंने उनसे कहा हां या ना का जवाब दीजिए, 2.5 घंटे की कोई जरूरत नहीं है। मैं राजस्थान के युवाओं के सामने वही सवाल रखना चाहता हूं। सवाल यह था, 8 साल राफेल मामले में एयरफोर्स के लोगों ने नेगोशिएशन किया, डिफेंस मिनिस्ट्री के ब्यूरोक्रेट्स ने नेगोशिएशन किया, आपने उनका 8 साल का काम रद्द किया, आपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट को परे किया, एचएल को परे किया और आपने अनिल अंबानी को एक नया कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया। मैंने सीधा सा सवाल पूछा, जब आपने पुराना कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया, क्या एयरफोर्स के लोगों ने जिन्होंने 8 साल काम किया, डिफेंस मिनिस्ट्री के लोगों ने क्या ऑब्जेक्शन रेज किया था, क्या उन्होंने सवाल पूछा था, क्या उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने किस बेसिस पे पुराने कॉन्ट्रैक्ट को रद्द किया? ये मेरा छोटा सा सवाल। 2.5 घंटे में निर्मला सीतारमण हां या ना नहीं बोल पाई, जवाब नहीं बोल दे पाई। ये नारी गौरव का विषय है, नारी अभिमान का विषय है और जब हमारी रक्षा मंत्री एक महिला ने पार्लियामेंट में विरोधी दल के नेताओं के छक्के छुड़ा दिए, उनके सारे झूठ को बेनकाब कर दिया, आपने देखा उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। और हमारी रक्षा मंत्री एक के बाद एक सत्य को पार्लियामेंट के सदन पर रख रही थी, ऐसा बौखला गए कि अब वो एक नारी का अपमान करने पर तुले हुए हैं, एक महिला रक्षा मंत्री का अपमान करने पर तुले हैं। ये रक्षा मंत्री का नहीं,
ये पूरे हिंदुस्तान की नारी शक्ति का अपमान है और जिसकी कीमत ये गैर जिम्मेवार नेताओं को चुकानी पड़ेगी। जो दर्शक एचसी न्यूज पहली बार देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।